नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार मतलब एक दोगलेपन के शिकार आदमी लगते हैं मुझे तो। अभी उनका एक बयान आया, द वायर के साथ वो बैठ गए और उस पर उन्होंने कहा कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। दो महीने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, केवल दो महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर सकते हैं। ये देश के लिए इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। तो इस बात के ऊपर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि रोहित सरदाना ने किस तरीके का उनको भयंकर जवाब दिया है और इनकी हिपोक्रेसी भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि रवीश कुमार हमें लगता है कि भाई हिपोक्रेसी के एक बहुत बड़े शिकार हैं। रवीश कुमार आज से पहले कहते थे कि वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो नेताओं के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद रवीश कुमार खुद सेल्फी खींचते हुए नजर आए अखिलेश यादव के साथ। तो क्या अखिलेश यादव नेता नहीं है? तो क्या अखिलेश यादव के साथ सेल्फी खिंचाना दोगलापन नहीं है रवीश कुमार जी? अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे की और रवीश कुमार की एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वो वायर पे बैठ के कह रहे हैं कि दो महीने के लिए टीवी देखना बंद कर दीजिए, देश के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं अपील करता हूं कि दो महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, दो महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। दो महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना, इसका आप कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है, आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे, आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो, तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही 4 लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, 4 एंकर और 1 वकील। अब उनसे बोर हो गए तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए, जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया, तभी मैं कहता हूं मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे रवीश कुमार जो कि द वायर पे बैठकर कह रहे थे। द वायर हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द वायर वो वेबसाइट है जहां पर दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। उस प्रोपेगेंडा चलाने वाली वेबसाइट के ऊपर, उस चैनल के ऊपर जहां पर दुनिया भर के झूठ बोले जाते हैं, कई झूठ तो हमने भी एक्सपोज किए हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर रवीश कुमार कह रहे हैं कि टीवी को देखना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो रवीश कुमार ने बोला है ना टीवी देखना बंद कर दो, ये पहली बार नहीं है, ये बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। ये देखिए आप, 1 साल पहले की ये क्लिप जहां पे आपको पता चल जाएगा ये कब से बोलते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं। एक तो पहले श्रीदेवी की दुखद मौत हुई, उसके बाद हर चैनल ने श्रीदेवी को अपने अपने हिसाब से मारा और उसे हर देखने वाले ने, हर दर्शक ने लतीफा बनाकर अपने हिसाब से आग मारा।
आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है, इस तरह से न्यूज चैनल हजार बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि खुद और समाज को बर्बाद कर देना है? अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं एनडीटीवी इंडिया के, जो इनका चैनल जिस पे काम करते हैं, इस पे बहुत गर्व महसूस करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कितना गर्व ये महसूस करते हैं एनडीटीवी इंडिया पर। तो एनडीटीवी इंडिया पे हर रोज एक पोस्टर ऐसा आ जाता है, ये पोस्टर कहता है कि आप एनडीटीवी इंडिया को देखिए, अब फ्री ऑफ एयर है और इतने चैनल पर आएगा, जल्दी बिल्कुल देखिए, ऐसा देखिए, वैसा देखिए। इसके जो अन्य एंकर्स हैं वो इसको प्रमोट करते हुए नजर आए हैं और कहते हैं कि देखिए देखिए। और मजेदार बात क्या है कि इस पोस्टर में सबसे आगे खड़े हुए हैं रवीश कुमार। जो रवीश कुमार कह रहे हैं कि टीवी देखना बंद कर दो, वो रवीश कुमार इस पोस्टर में सबसे आगे और कह रहे हैं हमें देखिए। क्या ये दोगलापन है कि नहीं है भैया? अब हम आपको दिखाते हैं रोहित सरदारा ने, जो कि आज तक के एक एंकर हैं, उन्होंने रवीश कुमार के इस दोगलेपन को उड़ाया है। भैया एक न्यूज वाले कह रहे न्यूज देखना कुछ दिन के लिए बंद करो, अब उनसे न्यूज समझे, अब उसे न्यूज समझे या नसीहत। सर इसको डबल स्टैंडर्ड समझिए उनका, जिसको दोगलापन कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के चैनल के ट्विटर हैंडल पे बड़ा बड़ा लिख के फोटो बना के उनकी ही ट्वीट किया जाता है। डीडी फ्री डिश पे हम इतने नंबर पे उपलब्ध है, आइए हम सबको देखिए। तो सर या तो उनकी मान लो या उनके चैनल की मान लो, समझो आप बात। तो ये वही लोग हैं असल में, जब आतंकी हमला होगा तो कहेंगे कि बदला क्यों नहीं लेती भारत की सरकार, बदला ले भारत की सरकार, बदला क्यों नहीं लेती, इनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। और जब सेना हमला कर देती है तो कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए देश को युद्ध में ढकेलना चाहते हैं, समझे आप। ये वही लोग हैं। अब दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है रवीश कुमार इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। रवीश कुमार थोड़े टाइम पहले इन लोगों को टीवी पर लेकर आ गए थे। सर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? सर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकता हूँ? सर आपकी गर्दन में क्या हुआ है? आप अथॉरिटी हैं? अब बताइए ये नौटंकी है कि नहीं है? उससे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टीवी पे लाइट ही बंद कर दी थी। कह रहे अंधेरा ही आज की सच्चाई है, किलबिस हो गए कतई शक्तिमान के, और कह रहे अंधेरा ही सच्चाई है, अंधेरा कायम रहे। आप इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए, इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूँ। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है, ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है, हमने जानबूझकर ये अंधेरा किया है। समझिए आपके ड्राइंग रूम की बत्ती बुझा दी गई है और मैं अंधेरे के उस एकांत में सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आज के बाद भी मैं वही करूँगा जो कर रहा हूँ, कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं बदल सकता हूँ। मैं यानी हम एंकर, तमाम एंकरों में एक मैं, हम एंकर चिल्लाने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। और दोस्तों उधर से देखिए अपने इंस्टाग्राम पर ये क्या पोस्ट करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हैं कि रवीश कुमार का टाइम तो जा ही नहीं सकता, कितने ये बैनर लगा लो, रवीश कुमार को लोग देखेंगे ही देखेंगे। अब भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि टीवी बंद कर दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि रवीश कुमार को तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, तीसरी तरफ आप फोटो खिंचवा रहे हो और फोटो में सबसे आगे खड़े होकर कह रहे हो कि भैया एनडीटीवी इंडिया को देखिए। तो मतलब कहना क्या चाहते हो, पहले खुद सोच लो ना भाई, क्या टीवी देखना है कि टीवी नहीं देखना है, अपने चैनल को बोलो कि प्रचार करना बंद कर दे। भाई टीआरपी गिर रही है तो इसमें किसी और का क्या दोष, कोई नहीं देखना चाह रहा आपको तो इसमें किसी और को क्या दोष है, बताइए काय की नौटंकी कर रहे बिना बात। तो भाई ये नौटंकियां बंद कीजिए, अच्छी जर्नलिज्म कीजिए। हमें पता है कि आप मोदी विरोधी नहीं है, मोदी से केवल सवाल पूछते हैं और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर लोगों को समझ में आ जाता है आप क्या कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो लोगों भी छोड़ दीजिए, वो क्या समझ रहे हैं, बाकी तो जो भी आप कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं और बाकी जो कोई और कर रहा है वो भी सब सही कर रहे हैं, तो करने दीजिए सबको जो जैसा कर रहे हैं, नहीं किसी का टीवी क्यों छुड़वा रहे हो भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ये मदद हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, और साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आप
हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।